हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं व्हाट्सअप गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग फिट फॉर मज़े में होंगे। तो जनाब, क्रिकेट लवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच बेताबी से इंतज़ार किया जा रहा है पाकिस्तानी आवाम से, इंडिया आवाम से, तो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए, मगर इंडियन फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। क्योंकि हमें बताया जा रहा है हमारी सोर्सेज के मुताबिक, फ़ख्र ज़मान जो हैं वो कल के मैच का हिस्सा नहीं होंगे। जैसे कि आपको पता है कि कल का मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेलबर्न में खेला जाना है और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो फ़ख्र ज़मान की ना खेलने की वजह हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि एशिया कप में फ़ख्र ज़मान को बाहर कर दिया गया था ड्यू टू नी इंजरी। तो ये इंग्लैंड गए थे, अपनी इलाज इनका जारी था, तो इन्होंने बैक इनटू कल परसों ही इन्होंने अपनी टीम को ज्वाइन किया है और अच्छी सी अच्छी नेट प्रैक्टिस की है, मगर उनकी प्रॉपर जिसे कहते हैं ना थेरेपी नहीं हो सकी नी इंजरी की। डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया है कि आप कल का मैच जो है बिल्कुल भी ना खेलें, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड कप में स्टे करना है तो कल का मैच आपको नहीं खेलना होगा, रेस्ट करना होगा इसकी जगह। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए, और फिर भी इंडियन फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होंगे। तो बस ये आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।